खेलने के लिए आया है। तो Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो आज हम लोग आए हैं शिवसागर मंदिर और हम लोग शिवरात्रि देखने के लिए, और मेरे साथ है मेरा दोस्त और हम लोग चार पांच जन इसमें आया है मतलब। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं शिवरात्रि मतलब क्या होता है। तो ये मेरा दोस्त है, हमारे साथ है, और मेरा साथ मेरा दोस्त लोग आया है, तो वो लोग घूम रहा है किधर किधर मेरे को पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, आज की शिवरात्रि देखते हैं और शिवसागर में। हाँ ये भाई है, शिवरात्रि में आए हैं शिवरात्रि देखने के लिए, और ये दोस्त लोग है शिवरात्रि में आ रहा है, ब्लॉग में देखा तुम्हारा का नाम क्या है। आएंगे मंदिर की तरफ और मंदिर के अंदर अभी हम लोग जाएंगे और दर्शन करेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं नजारा। फ्री फायर करने हैं अभी हम लोग, ऊपर जा रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे मंदिर और यहाँ का नजारा भी आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो पर, एंड तक बने रहिए, मजा आने वाला है इस वीडियो पर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं और ये है मंदिर, आप लोग देख सकते हैं ये है शिव मंदिर, यहीं पे शिवरात्रि होते हैं साल में, और अभी हम लोग शिवरात्रि देखने के लिए आए हैं। मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे और मंदिर के मतलब चारों ओर घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा सा वीडियो। बहुत भीड़ है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ऐसे भीड़ में कभी पहले वीडियो बनाया नहीं है ना, तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, खुद को मतलब कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी हम लोग मंदिर के पीछे आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है शिव मंदिर। तो हम अब लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग पीछे आ रहे हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है, हम लोग दो ही घूम रहे हैं और हम लोग 11 जन आए हैं मतलब। तो वो लोग किधर गया पता नहीं, लेकिन हम लोग दो ही घूम रहे हैं मतलब। और इधर देख सकते हैं पूरा मेला लगा हुआ है बाहर मतलब, मंदिर के बाहर मतलब पूरा मेला लगा हुआ है, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस यह है शिव मंदिर और इसके मंदिर के अंदर अभी हम लोग नहीं जाएंगे मतलब, मंदिर बंद है तो अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं कभी दिन में आऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा मंदिर का अंदर कैसा है। तो यह है शिव मंदिर और उधर जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो है दुर्गा मंदिर, और इस साइड में है मतलब इस साइड में जो मैंने पहले गया था इस साइड में है विष्णु मंदिर। तो मैं कभी दिन में आकर आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो आज मैं खा रहा आप लोग थोड़ा थोड़ा शॉट लेके, तो आप लोग देखिए और मजे लीजिए और वीडियो पर एंड तक बने रहिए। ये है शिव मंदिर, ये मतलब द्वार है मतलब मंदिर का, बरामदा है और यहाँ पे पूजा होते हैं और बोलबम भी होते हैं। जब बोलबम के सीजन में तब यहाँ पे मतलब वो होता है, वो ओस्तोजाम होता है, वो कीर्तन होता है ना, तो यहाँ पे होता है ये बरामदा में। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे, आप लोगों को भी अंदर का नज़ारा दिखा दिया, बाहर जाएंगे, बाहर मेला लगा हुआ है, तो मेला का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और एंजॉय लीजिए वीडियो का, एंजॉय कीजिए मतलब। तो मंदिर के साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फूल लगाया हुआ है, सुंदर सुंदर फूल लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत, देखिए मतलब मज़ा आ रहा है अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मंदिर के अंदर जब भी आते हैं तो मन कुछ मतलब मन खुश हो जाता है भगवान के मंदिर पर आने के। आप लोग भी आइए और शिवसागर मंदिर आइए, यहाँ पे अभी बोलबम होने वाला है, सावन महीने में होगा, तो आप लोग आइएगा, बोलबम देखिएगा, अच्छा लगेगा। हम लोग का यहाँ पे बोलबम बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णु मंदिर की तरफ। तो भाई कैसा लग रहा है घूम के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो और दिन में आते तो और भी अच्छा लगता शायद, लेकिन रात में भी अच्छा ही लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णु मंदिर की तरफ, इधर है विष्णु मंदिर, ये आप लोग देख सकते हैं।
आप लोग को अच्छी तरह से दिखाऊंगा विष्णु मंदिर। और मैंने तो दिखा दिया आप लोगों को दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर। तो विष्णु मंदिर पर अभी मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, सभी तो शिव मंदिर की तरफ ही जाते हैं। बोलबम में लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जब बोलबम होता है ना तब आते हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे छोटा हनुमान मंदिर है, ये छोटा सा। और पहले यहाँ पे एक पेड़ था, यहाँ पे एक पेड़ था पहले, तो वो पेड़ काट दिया अभी, अभी दो एक साल हो गया, मतलब दो साल हुआ है शायद। मैं जब वो पहले आया था कोरोना के पहले, तब पेड़ था, अभी पेड़ यहाँ से हटा दिया है कट कर। और ये आप देख सकते हैं विष्णु मंदिर, ये है विष्णु मंदिर। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, सिनेमेटिक शॉट लेके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बैक कैमरा से, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यही है विष्णु मंदिर, मैं आप लोगों को दूर से दिखा रहा हूँ, पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जूता पहना हूँ और अंदर गेट लगा हुआ है, तो इसलिए अंदर नहीं जाऊँगा, यहीं से आप लोगों को दिखाऊँगा। ये है विष्णु मंदिर, यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है हनुमान मंदिर, देख सकते हैं, यह है हनुमान मंदिर। मैं आप लोगों को छोटा छोटा शॉट लेके दिखा रहा हूँ सब मंदिर। तो हम लोग अंदर घूम लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। यह है गेट, देख सकते हैं, इसी से हम लोग अंदर गए थे, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। और बाहर मतलब वो मेला लगा हुआ है, मेला आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, मजा आएगा, मतलब वीडियो बहुत मजा आएगा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन वीडियो पर एंड तक बने रहिए, मजा आएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेला, बाहर मेला लगा हुआ है, इधर मेला लगा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं मेला। तो हम लोग यहाँ पे एक सामान लेने के लिए आया है, तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, ये मेरा दोस्त लेने के लिए आया है सामान, वो जो मतलब कुछ सामान लेने के लिए आया, गुनिया बोलता है उसको। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को हर चीज मिलेगा, हर सामान मिलेगा आप लोग ढूंढ रहे होते, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग जो सामान ढूंढ रहे वो नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो आगे देखते हैं, और आगे दुकान है जाते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी पता नहीं हम लोग। ये गुनिया है क्या? गुनिया नहीं है भाई, कहाँ पे मिलेगा गुनिया? ये कितने का पड़ेगा? 180 रुपये। तो वो जो सामान हम लोग ढूंढ रहे थे वो एक दुकान पे मिला, लेकिन वो दाम मतलब दाम ज्यादा बोल रहा है, तो इसीलिए हम लोग वो नहीं लिया, रख दिया। तो अभी क्या करेगा, लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो अभी नहीं लेगा, चलो मतलब दाम ज्यादा बोल रहा है ना, इसीलिए इतना पैसा नहीं है हम लोग के पास, तो अभी चलते हैं नहीं लेते हैं और घूमते फिरते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। वो जो माइक तो बहाल ना है बस जो ना माइक लिया जो। तो अभी हम लोग आए हैं मेला देखने के लिए, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो चलिए चलिए देखते हैं मेला कैसा लगा हुआ है और एंजॉय करते हैं मेला का। हम लोग तो अभी मतलब घूमेंगे मेला नया से। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? मैंने आप लोगों को मंदिर दिखाया और मेला दिखाया, सब कुछ दिखाया, दुकान वगैरह सब कुछ दिखाया। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना, और मेरे मतलब मैं इसी तरह कुछ अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और मैं क्या हुआ, दिन में आने के समय नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैंने रात को आया और रात को नज़ारा आप लोगों को दिखाया, मतलब यहाँ का शिवसागर का मतलब शिवरात्रि कैसा होता है रात में मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। तो आज के वीडियो आज के लिए इतना ही, और समाप्त करते हैं वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। बाय बाय टाटा।